दोस्तों, काफी लोगों के मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर रावण का पुत्र इंद्रजीत किसका अवतार था? इतना वीर पराक्रमी योद्धा कोई राक्षस तो नहीं हो सकता। अगर यह राक्षस भी रहा होगा तो किसी ने इसे श्राप दिया होगा, क्योंकि रावण भी देवता ही था। पुराने बुरे कर्मों की वजह से इसे राक्षस बनना पड़ा। आपको बता दें, मेघनाथ अथवा इंद्रजीत रावण के पुत्र का नाम है। अपने पिता की तरह यह भी स्वर्ग विजेता था। इंद्र को परास्त करने की वजह से ही ब्रह्मदेव ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इसका नाम रामायण में इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जिसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र, नारायण अस्त्र, शिव अस्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्र मौजूद थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेघनाथ के बारे में। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर त्रिदेव तथा उनके दिए गए अस्त्र शस्त्र और शक्तियों को एकत्रित कर स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। मेघनाथ पितृभक्त था, वह रावण का पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान हैं, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाथ की पितृभक्ति प्रभु श्री राम की तरह ही अतुलनीय है। जब उसकी माता मंदोदरी ने उससे यह कहा, मनुष्य मुक्ति के और अकेला ही जाता है, तब उसने यह कहा कि माता, अगर मैं पिता को ठुकरा कर स्वर्ग की ओर भी जाऊंगा तो मैं वहां से भी ठुकरा दिया जाऊंगा। मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था, क्योंकि रावण एक विद्वान ज्योतिषी था। रावण को एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि अजय अजर अमर हो, इसीलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली से गैरवें लाभ के स्थान पर रख दिया था। पर रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव ने गैरवें स्थान से हटकर 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनिदेव पर प्रहार किया और उन्हें अपना बंदी बना लिया। आपने रामायण में देखा होगा, जो रावण के पैरों के नीचे एक व्यक्ति लेटा रहता है, वह कोई और नहीं बल्कि शनिदेव हैं। मेघनाथ के गुरु असुर शुक्राचार्य थे। बाल अवस्था से युवा अवस्था होते होते उसने अपनी देवी निकुम्बला के मंदिर में जाकर अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। एक दिन रावण को जब इस बात का पता चला तो वह असुर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचा, तो उसने देखा कि असुर गुरु शुक्राचार्य मेघनाथ से एक यज्ञ करवा रहे हैं। जब रावण ने पूछा कि यह क्या यज्ञ हो रहा है, तब गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि मेघनाथ ने मौन व्रत धारण किया है। जब तक वह सिद्धियों को नहीं पा जाता, तब तक वह मौन धारण किए रहेगा। अंततः मेघनाथ अपने घोर तपस्या में सफल हुआ और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उसे कई अस्त्र शस्त्र, दिव्य अस्त्र और शक्तियां सिद्धियां प्रदान कर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने उसे सावधान भी कर दिया कि कभी ऐसे ब्रह्मचारी का सामना ना करे जो 12 वर्षों से ब्रह्मचार्य और कठोर तप का पालन कर रहा हो। इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से 12 वर्षों तक घोर तपस्या करवाई थी। वरदान पाने के बाद फिर से एक बार मेघनाथ असुर गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उसने पूछा कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। तब गुरु शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञ की दीक्षा दी, जिनमें से एक महायज्ञ भी करना बहुत ही कठिन है। और ऐसा भी कहा जाता है, मेघनाथ का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो इन यज्ञों को करने में सफल हो पाए थे। ऐसा भी कहा जाता है, भगवान विष्णु, रावण और रावण पुत्र मेघनाथ और सूर्य पुत्र कर्ण के अतिरिक्त
आदि काल से ऐसा कोई भी नहीं है जो वैष्णव यज्ञ कर पाया हो। देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं समेत इंद्र को भी बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद सभी देवताओं ने कारागार से भागने में निश्चय किया और साथ में ही रावण को बेहोश अवस्था में अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। लेकिन मेघनाथ ने पीछे से अपने दिव्य रथ पर बैठकर अदृश्य होकर देवताओं पर आक्रमण किया। भगवान सेनापति कार्तिकेय उस समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, परंतु वह भी मेघनाथ को रोक नहीं पाए। मेघनाथ ने ना कि देवताओं को पराजित किया बल्कि इंद्र को अपने साथ बंदी बनाकर ले गया। और जब रावण जागा तो उसे सारी कहानी जब पता चली तो रावण मेघनाथ ने यह निश्चय किया कि इंद्र का अंत कर दिया जाए। लेकिन ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मदेव लंका में प्रकट हो गए और उन्होंने मेघनाथ को आदेश दिया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाथ ने यह कहा कि मैं यह कार्य तभी करूंगा जब आप मुझे अमृत का वरदान देंगे। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने कुल देवी के मंदिर में जब यज्ञ करोगे, उस यज्ञ से जो रथ प्राप्त होगा, अगर उस रथ पर तुम बैठे रहोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। इस तरह से उसने अपने पिता का कार्य किया। दोस्तों, रुद्र संहिता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव शंकर का माता पार्वती श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते वक्त उनके कानों में बिच्छू और बेलपत्र होता था। इसके अलावा उनके पास भांग और धतूरा भी होता था। उस समय पर जो उनके हाथों पर कलाई, आज के टाइम में हाथों पर कलाई बांधी जाती है, वह ना होने की वजह से उनके हाथों पर वासुकी नाग को उनकी कलाई पर बांधा था और बांधते वक्त उन्होंने ज्यादा टाइट करके उस बंधन को बांध दिया था, जिससे वासुकी नाग की आंखों से आंसू निकल आए। उनसे दो कन्याओं का जन्म हुआ और एक का नाम सुलोचना और एक का नाम सुनेना रखा गया। वह दोनों कन्याएं स्वयं भगवान शिव की पुत्री के समान थीं। इसीलिए उन दोनों कन्याओं का पालन पोषण नागलोक में किया गया। नागलोक जहाँ के राजा वासुकी जी हैं और उनके भाई शेष नाग जी, तो वासुकी जी ने उनका पालन पोषण किया। और जब वह थोड़ी बड़ी होने लगी, लेकिन वहाँ एक नाग था जिसका नाम था संभल। संभल नाम का नाग जो उन कन्याओं पर कुदृष्टि डालता था, इससे ज्यादा क्रोधित होकर वासुकी जी ने उस नाग का सर काट दिया था। फिर उसके बाद वह नाग रावण के घर में जन्म लेता है, जिससे आगे चलकर वह मेघनाथ के नाम से जाना गया। और उसने वही मरने से पहले निश्चय किया था कि मैं तुम्हारी कन्या से जबरदस्ती हरण करके विवाह करूंगा। दोस्तों, आगे चलकर वही संभल नाग जो मेघनाथ के रूप में आया था, उसने सुलोचना का हरण किया और उससे विवाह किया। यह उस समय की बात है जब स्वयं शेष नाग जी अपने सर पर पृथ्वी को धारण कर रखे थे और वासुकी जी भगवान शिव के सानिध्य में थे। उस समय उसने नागलोक पर अधिकार कर लिया था और शेष नाग जी अपने सर से पृथ्वी का भार हटाने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का स्वयं आदेश था। उस समय शेष नाग ने यह निश्चय कर लिया था कि अगर कभी भी अवतार लूंगा तो तुम्हारा वध मेरे ही हाथों होगा। इसीलिए मेघनाथ को शेषा अवतार लक्ष्मण जी के हाथों मारा गया। और जब स्वयं सुलोचना कहती है कि मैं अपने पिता को बुला लेती अगर तुम कहते कि इस लक्ष्मण से हार जाते तो मैं अपने पिता से सहायता लेती, तब उस समय मेघनाथ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि किस पिता को बुलाती, वही तो पिता है जिन्होंने मुझे मारा है, क्योंकि वासुकी नाग की पुत्री शेष नाग और वासुकी भाई है, इसीलिए पिता ही कहे जाएंगे। इस तरह से मेघनाथ का जन्म और वध हुआ था।